हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि इंसान बूढ़ा कब होता है। इंसान तो 25 साल की उम्र में भी बूढ़ा हो सकता है या 100 साल तक भी बूढ़ा नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। बड़ी हैरानी की बात है ना। तो चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर कि इंसान बूढ़ा ना हो उसके लिए वो क्या क्या करे। हमारी एज एक्चुअल में तीन तरह की होती है। एक कैलेंडर की एज जो चलते रहते हैं, कैलेंडर के पेज बदलते रहते हैं। मेरी एज जैसे मैं बताऊं तो कैलेंडर की एज मेरी है 74 इयर्स होने वाली है। तो 74 इयर्स, फिर 75 हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे, अगर मैं जिंदा रही तो पता नहीं कहां तक भी हो जाएंगे। इसको ना हम रोक सकते हैं, ना इसको चेंज कर सकते हैं, ना हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जो हमारी एज है वो है क्रोनोलॉजिकल एज। इस एज को हम स्लो डाउन कर सकते हैं, इस एज को हम रिवर्स कर सकते हैं, इस एज को हम मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम कभी भी बूढ़े ना हो। मेरी जो अभी क्रोनोलॉजिकल एज चल रही है, जैसा मैं महसूस करती हूँ, इट इज लेट 40s। यानी कि जैसी एनर्जी मेरे पास, मेरी लेट 40s में थी, वो एनर्जी मेरी आज तक भी बनी हुई है। इस एज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करें, अपनी वॉक वगैरह का ध्यान रखें, अगर हम अपनी डाइट का ध्यान रखें, अगर हम ज्यादा ऐसी चीजें ना खाएं जो टॉक्सिक होती हैं, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट कर सकती हैं। हम अपनी बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखें, एंटीऑक्सीडेंट्स खाते रहें, पीते रहें, तो हम इस एज को स्लो डाउन कर सकते हैं। तीसरी एज है साइकोलॉजिकल एज। साइकोलॉजिकल एज भी हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में है, वो भी उसको भी हम स्लो डाउन कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल एज क्या है, हम कैसा फील करते हैं। अगर मैं अपनी साइकोलॉजिकल एज की बात करूं तो मैं तो 25 का फील करती हूं। मेरे अंदर आज भी वो एक ईगरनेस है कि मैं कुछ नया सीख लूं, मैं कुछ नया कर लूं। 73 की एज में मैंने 2 एग्जाम पास करे हैं, 73 की एज में मैंने फेस योगा का कोर्स किया है, जबकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट मेरे को एक इच्छा बनी रहती है कि मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ नया करूं। और मैं इस एज में आके कंप्यूटर सीख रही हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं, ये मुझे लगता है कि इसी चीज ने मुझे यंग बना के रखा हुआ है। मैं अपने आप को बूढ़ा नहीं समझती हूं। एक हम अगर किसी से पूछते हैं तो ये पूछते हैं आपकी उम्र क्या है, और अगर इंग्लिश में पूछेंगे तो हाउ ओल्ड आर यू, पहले ही ओल्ड कर दिया। तो हमने अपने आप को ओल्ड तो समझना ही नहीं है, क्योंकि जब हम अपने आप को खुद को ओल्ड समझ लेंगे ना, बूढ़ा समझ लेंगे, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पूरी कोशिश में लग जाएगा हमें बूढ़ा करने में। हमारी सोच वैसी हो जाएगी, हमारे रहने का तरीका वैसा हो जाएगा, हम ये सोच लेंगे कि बूढ़े तो हो ही गए हैं, क्या करना है नई चीज सीख के, हम बूढ़े तो हो ही गए हैं, क्या करना है किसी से बात करें कि कहीं जाके, अरे हम क्यों काम करें क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए। तो हम वाकई में बूढ़े हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ 8 ऐसे मंत्र शेयर करने वाली हूं जो आपको अपना लेने चाहिए शुरू से ही, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट तो ये बहुत ही आपकी मदद करने वाले हैं। क्योंकि मैंने देखा है अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान 60 की उम्र में रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद सोच लिया जी हम तो रिटायर हो गए, हमें क्या करना है, हमें तो पेंशन मिल रही है, अब हमें क्या करना है। और वो वाकई में बहुत तेजी से उनकी उम्र बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है। वो ना बढ़े उसके लिए क्या करें, उसके लिए 8 मंत्रों को अपने अपनाना है, जपते रहना उन 8 मंत्रों को, और आप अपनी एज को सही रख पाएंगे। नंबर 1, जो मैंने अभी बताया जस्ट, कि नेवर से आई एम ओल्ड। अपने दिमाग में तो ये सोचना ही नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं, और बूढ़े हो गए इसलिए हम काम नहीं करेंगे, अब तो बेटे बहू काम करेंगे, हम नहीं काम करेंगे। नहीं भाई, हमें तो काम करते ही रहना है, हमेशा काम करते रहना है। कोई भी आ गया तो भी हमें कम से कम अपने काम तो सारे खुद करने हैं, अपने घर को तो खुद देखना है, और जब तक हम ऐसा करेंगे तो हम जवान हैं। नंबर 2 पर आता है, कीप योर हेल्थ ऑन टॉप प्रायोरिटी। अब आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा, और ये सेल्फिशनेस शुरू से आ जानी चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में शुरू से आ जाने चाहिए। लेडीज जो है बहुत गलती करती हैं, बच्चों की हेल्थ, हस्बैंड की हेल्थ, उसके बाद परिवार की हेल्थ, अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। मैंने कई ऐसी लेडीज को देखा भी है, और मेरे पास कमेंट भी बहुत आते हैं कि डिलीवरी के बाद हमें ये नुकसान हो गए हैं, ये हमारे प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कमर दर्द हो रहा है, डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो गया, क्यों नहीं आपने अपना ध्यान रखा? अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना है। हम ये सोचे कि हमारा परिवार हमारी सेहत का ध्यान रखेगा तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे।
अपने खान पीन का ध्यान खुद रखना है। यहाँ पर हमें सेल्फिश होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम बूढ़े ना हों, हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी कम नहीं हो, तो हमें सेल्फिश होना पड़ेगा। और 60 के बाद तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पर रखें, सबसे पहले अपनी हेल्थ, क्योंकि ये हमारी हेल्थ जो है वही हमारा साथ देगी। ना हमारा पैसा हमारा साथ देगा, ना हमारे रिश्तेदार हमारा साथ देंगे, ना हमारा परिवार हमारा साथ देगा, सिर्फ हमारी हेल्थ हमारा साथ देगी। तो ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। नंबर 4 पर आता है कि टेक केयर ऑफ विटामिन एम। विटामिन एम बहुत जरूरी है। वैसे तो कहते हैं पैसा हाथ का मैल होता है, लेकिन ये हाथ का मैल जो है ना, इसको झाड़ के अपने पास थोड़ा बहुत रखना बहुत जरूरी होता है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के लाड में आके, किसी के बहकावे में आके अपना सब कुछ दूसरे को दे दें कि अब हमने तो दे दिया, हमने तो अपने बच्चों को दे दिया वो हमारा ध्यान रखेंगे, हमने तो अपनी बेटी को दे दिया वो हमारा ध्यान रखेगी, या बेटे को दे दिया वो ध्यान रखेगा। कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, ना रख सकता है। अगर आपकी सेहत खराब हो गई और आपके पास पैसा भी नहीं है, तो आप हर किसी के लिए बोझ बन जाएंगे। तो आपको बोझ नहीं बनना है, अपना जो विटामिन एम है उसको संभाल के रखना है, उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, सही तरीके से यूज करना है। कोई भी, कई बूढ़ों के आप देखते होगे ना, सब कुछ बेटे के नाम लिख दिया, बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। अगर बेटे बहू घर से नहीं भी निकाल देते हैं ना, तो आप एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। वो आपको नहीं होना है, अपने विटामिन एम को खुद संभाल के रखना है। नेक्स्ट आता है डिटैच्ड अटैचमेंट, यानी कि आपको डिटैच भी रहना है, आपको अपने आप को सांसारिक चीजों से अलग अलग भी रखना है और उनसे अटैच भी होकर रहना है। ये कैसे होगा कि आपको आपके अंदर वो प्यार, वो प्रेम, वो हमेशा बना रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे वो बच्चों के साथ है, चाहे परिवार के साथ है, हस्बैंड के साथ है, और किसी के साथ, तो वो प्यार आपका बना रहना चाहिए। लेकिन अपने आप को इतना डिटैच जरूर कर लेना चाहिए कि आप इतने निर्भर नहीं हो जाओ कि उसमें से कोई ऐंठ के इधर उधर चला गया और आप उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई और आप उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अटैचमेंट तो हो, लेकिन वो डिटैच्ड हो, थोड़ा सा डिटैच्ड। हाँ, डिटैचमेंट ये भी है कि आपको आप अपने परिवार में रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के साथ रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको उनके साथ बहस में नहीं पड़ना। एक बार को बहस करके आप जीत भी गए तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो आपने ये डिटैचमेंट रखनी है कि आपने बहस नहीं करनी है। अपनी अगर कोई सलाह लेता है तो दो, नहीं लेता है तो चुप हो जाओ। आपको बापू का चौथा बंदर बनना है। बापू के तीन बंदरों का पता है ना आपको, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आपको चौथा बंदर बना है कि आपने सब कुछ देख भी लिया, सुन भी लिया, अच्छा बुरा जो भी है, और लेकिन आपने कुछ बिना मतलब के किसी के अफेयर्स में, कहते हैं ना, टांग नहीं अड़ानी है। अपना अपना काम, चाहे वो बच्चे हैं, बेटा बहू है, कोई भी है, तो आपको इतना अपने आप को कंट्रोल में रखना है कि आप बिना मतलब दखलंदाजी ना करें। नेक्स्ट इज आप का जो टाइम है, आप किसी भी एज के हैं, आपका टाइम जो है वो बहुत प्रेशियस है। हमेशा ये रखें कि हर दिन आपके लिए नया दिन है। सुबह जब उठते हैं तो आपको सबसे पहले एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि भगवान ने हमें एक और नया दिन देखने के लिए दे दिया है, हम एक और नया दिन आज देखेंगे। और उस दिन को आप ऐसे जिए कि जैसे वो आज आपका आखिरी दिन है, बस दिल खोल के उसको जिए, और ऐसे जिए जैसे वो आपका पहला दिन है, यानी कि उतनी मस्ती के साथ जिए जैसे आप बचपन में जीते थे। तो इस तरीके से आप अगर अपनी लाइफ को लेंगे तो कभी भी आप अपनी लाइफ में बूढ़े नहीं होंगे, ना बूढ़े होंगे, ना किसी पर बोझ बनेंगे, ना किसी के ऊपर निर्भर होंगे। टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें आज में जीना है, अभी में जीना है, जो हमारे हाथ में है। यस्टरडे वॉज अ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री बन चुका है, वो आपके हाथ में नहीं आएगा। एंड टुमारो इज अ मिस्ट्री, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, वो एक मिस्ट्री है। टुडे इज द कैश इन हैंड, आज का जो समय है वो आपके हाथ में, बस इसको खुल के जियो, पॉजिटिव होके जियो, खुशी से जियो। फिर आता है कि एक्सेप्ट द चेंज,
दुनिया बदल रही है। जब हम छोटे थे हमें बहुत सारी चीजों का तो कॉलेज तक जाने तक भी पता नहीं चला, उसके बाद हमारे बच्चे जब बड़े हुए तो उनको स्कूल में उन चीजों का पता चल गया, पढ़ाने लगे उनको स्कूल में, और आजकल के जो बच्चे हैं वो तो पैदा होते ही कंप्यूटर सीख जाते हैं। तो एक्सेप्ट द चेंज, उसके साथ साथ क्यों ना हम भी सीख लें थोड़ा सा, बजाय ये देखने के अरे क्या हो गया, कैसे हो गया और क्यों हो गया, उनको ये नसीहत दे के क्यों कर रहे हो, उससे बेटर है कि खुद भी सीख ले, खुद भी उस चेंज के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। खुद भी एनलाइटेंड होना पड़ता है, होना चाहिए। नई नॉलेज, नया ज्ञान, ये चीज नहीं आई है, चलो हम इसको सीख लेते हैं, कोशिश तो कर लेते हैं ना, ना सीख पाए कोई बात नहीं, कोशिश तो कर लेते हैं। उस चेंज को एक्सेप्ट करो और उसको सीखने की कोशिश करो। जब तक हम ये कोशिश करेंगे हमारा दिमाग बूढ़ा नहीं होगा, और दिमाग बूढ़ा नहीं तो हम भी बूढ़े नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि कहते हैं ना साठा सो पाठा, मतलब 60 की एज के बाद तो ज्ञान आता है, लेकिन 60 की एज के बाद तो रिटायर करके बिठा देते हैं, तो आप उस ज्ञान को कहाँ यूज करोगे। फिर कहते हैं कि घर में रहते हैं तो कम बोलो, यहां आपने कम नहीं बोलना, यहां आपने ज्यादा बोलना है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी किताबों के साथ, अपना एक कोई जर्नल आप बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो, अपनी थॉट्स को लिख सकते हो, ये सब काम अगर आप करेंगे तो आपकी याददाश्त किसी भी उम्र तक कम नहीं होगी। आजकल डिमेंशिया, पार्किंसन, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, एज तो इतनी लंबी हो जाती है लेकिन उस बड़ी एज में ये सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो इंसान खुद भी बोझ बन जाता है और दूसरे पर भी बोझ बना रहता है। तो अगर आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं उस एज तक भी, तो आप ये 8 मंत्र जो मैंने बताए हैं इनको अपना के देखिए, कभी याददाश्त नहीं जाएगी। खुद को स्ट्रेस से दूर रखने की कोशिश करें, और जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो स्ट्रेस से आप अपने आप बच जाएंगे। जब आप दोस्तों के साथ खुल के बात करेंगे, खुल के हंसेंगे, तो आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, आपका जो लंग्स में आपका सांस की जो क्रिया है वो सही रहेगी, आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको डिमेंशिया जैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बहुत ही ऐसे तरीके हैं जिनको हम खुद अपना सकते हैं, इनको कोई डॉक्टर एक दवाई की गोली बना के हमें नहीं दे सकता, कोई इंजेक्शन लगा के ये तरीके हमें नहीं बता सकता, ये तरीके हमें खुद अपनाने हैं और खुद अपना के अपने आप को ठीक रखना है। एक एक करके अपनाते जाइए, उसकी आदत पड़ जाएगी आपको, और धीरे धीरे करके सबको अपना के एक आदत बना लें। उस आदत के साथ खुश रहें, खुशी से मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।